الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ما شاء الله ما شاء الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم نجعل الأرض محادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان ما شاء الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مقرم قابل احترام معزز سامع کرام اسٹیج پر جلوہ بار پیر طریقہ سید السادات الحاظ ذاکر علی باوا پیر طریقہ سید السادات اشرف علی باوا پیر طریقہ سید السادات الحاظ پنٹو باوا اور دیگر سادات کرام اور اس محفل میں بیٹھنے والے حجاز کرام دور دراز سے سننے والی پردہ نشین میری ماں اور بہنیں عزیز دوستو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے قبل پیر طریقہ سید السادات الحاظ ذاکر علی باوا نے بہترین گفتگو کی اب میں بھی آیا ہوں انشاءاللہ میں میرا وقت کہہ دوں 35 ہوئی ہے 10:35 انشاءاللہ 11:15 اپنے اولاڑ دیں انشاءاللہ برابر ہے پرائم بھائی دیکھتے ہوا کہ جیسا تمہارا جوش ایسا اپنا ہوس نہ جیسا تمہارا تیل ایسا اپنا کھیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شادی کے متعلق اللہ فرماتا ہے اور ہمارے رواج میں ہمارے سماج میں جتنی گڑبڑی شادی میں ہوتی ہے نا ایسی گڑبڑی کوئی اور جگہ نہ بولو ہاں ذرا بولنا بولنا شادی میں ایک خوشی ہے لیکن ایک خوشی بھی ایسے منائیں
जैसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी मनाई, आपने भी चार लड़कियों की शादी करी, चार लड़कियों की शादी करी, सहाबाए किराम ने भी चार लड़कियों की शादी करी, लेकिन हमारे कुछ रिवाजात जो है, रिवाज ऐसे रिवाज हैं, अल्लाहु अकबर, अच्छे अच्छों को भी शर्म आए, ऐसे रिवाज है हमारे रिवाजात में से। सरकार ने पहले तकरीर रखी थी तो मैंने कुछ एक दो जुमले कह दिए थे कि एक रिवाज तो ये है कि लोग कहते हैं लड़की वाले नीचे और लड़के वाले ऊंचे, एक बात। दूसरी बात यूं कहते हैं कि पहली डिलीवरी उसके बाप के घर हो और सारा खर्चा उसका बाप दें, लड़की का बाप। अब जो छोकरा पैदा हो बड़ा होगा कमाएगा तो किसको देगा, दादा को के नाना को, तो नाना क्या करने पैसे दे ला। आदि खोटा रिवाज अलग बोलियो, हाँ सीधी बात है, वो काय को दे भाई, ये सारा तो तुम्हें देना है ना। तीसरी बात, सतवा से मैं सामने वाला लड़का वाला यूं कहता है कि मारे तो चैन जो है, क्या मांगता है चैन, आ तिसको तो तेने चैन दिया नहीं ना, तू सामी चैन मांगता है, ये भी गलत है ना बाबा। तो ये रिवाजात जो है वो तोड़ने वाले रिवाज हैं, जोड़ने वाले नहीं। हाँ मेरे भाई, ये तोड़ने वाले रिवाज। और फिर क्या ना क्या क्या करते हैं हम, राठौर है राठौर, हम ठाकुर है ठाकुर, ओहो हम तो आजी आजी, ओहो अरे हम तो मेहमान है मेहमान, अरे भाई तुम तो ठाकुर ठाकुर, तुम तो दरबार है दरबार, वो मुझे जरा बताओ ओ दरबार रात को किसके पलंग पर सोता है, समझ पड़ती है, समझ में तो आती है, अल्लाह किसके पलंग पर सोता है, ये ससुरा ने बिचारे ने वियाजू पैसे लाकर देशदान दिया था, ओ मेरे भाइयों गिरो एक गिरो खेत और गिरो खेत रखकर पैसे लाकर देशदान दिया था, ओ मेरे भाइयों डबल ओवर टाइम करके नौकरी करके वो पलंग अपनी लड़की को दिया था, तू तो ठाकुर है अपन सोता है किसके पलंग पर, ससुरा के पलंग पर सोता ना, कहते ऊंचा ऊंचा और ऊंचा हो बोलो था ओ भाई ओ भाई, तो ठाकुर ने राठौर तो खड़ा दरबार भी खड़ा, लेकिन किसके पलंग पर, ससुरा के पलंग पर तो सोता है, ना किसकी थाली में तो खाता है, ना किसके कुकर की दाल तो पीता है। अब मुझे जरा बताओ ये ऊंचा है कि नीचा है, जरा बताओ, मैं उसी बात पर कह रहा हूं, ये नीचा है या ऊंचा, ऊंचा नहीं हो सकता भाई। हाँ हाँ क्यों, अब फिर हमारे हमारे यहाँ तो रिवाज है, तुम्हारे यहाँ तो खबर नहीं है, हमारे तो शादी होती है ना तो पेरामणी पिनाने पड़ती यहाँ है या। हम एक जगह पर गए थे ना, पहले मूड बना दो फिर इंशाल्लाह असल बात पर चलो। एक जगह पर गए तो मैंने कहा बाबा तुम्हारे भी तारीख नाखना होगा, मगर मन नहीं यार, मैंने कहा नाना गाड़ी भेजता हूँ तुम्हारा, मैंने कहा अच्छा। हम तो गए वहाँ बैठे, खाना वाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ी, फिर तारीख ना, तो मैं कह भाई लाओ कैलेंडर, लाओ कैलेंडर लाओ, तारीख निकाली, मैं कह 29 तारीख बराबर है, 11वां चांद आता है 29 तारीख आती है, अच्छा है। तो कहता कि ना बापू आ तारीख तो ना चले, मैं क्यों, तो क्या अमासा होती है या। तो मैं कहा अमास के ना अपने क्या लेना देना लगे, तो क्या ना बापू आ तो जान लेने जाए ना टेम्पो लेने तो ऊंधा पड़े अमास के, तो मैं कहा जाने दो तरह भाई ये तारीख जान। ये मेरे भाइयों हमारी जहालत है, जहालत, बाकी हमारे ने अमास के कहीं लेना देना नहीं। ओ मेरे भाइयों ये अमास ने ममास क्या, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हाँ नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, और बिस्मिल्लाह बोलकर हम जो भी मूरत करें अल्लाह हमें कामयाब दे। और ये बाबा असल में मैं छोटा बापू हूँ इसलिए बहुत नहीं बोलूंगा, कहीं बापू तो कहते हैं कि अकरब ए विछूड़ा, ऐसा कहीं सुना है, अकरबा वे तो शादी ना हो, तो मैं कहा दफनावा भी ना
इको भी पड़ा रहना दो, ये भी छोड़ा जाए दूसरे दिन। अरे भाई अक्रम क्या है? हाँ हाँ अक्रम है भाई, कैलेंडर में भी लिखे ला तो अक्रम यानी विछोड़ा। भाई काटने वाला विछोड़ा नहीं ला, ये कया विछोड़ा है जरा समझाऊंगा कि मुझे तसल में बयान करना है ये। हाँ शादी है ना, शादी ये निकाह, मैं आगे बात समझा रहा हूं। अगर लड़का जवान हो गया और लड़की जवान हो गई तो दोनों की शादी करने में निकाह के बंधन में बांध दो, जल्दी करो, इन दोनों को निकाह के बंधन में बांध दो ताकि शायद के कोई गुनाह न कर ले। और इस निकाह के बंधन में बांधने के लिए ना विछूड़ा नड़ेगा, ना नाग नड़े, ना सांप नड़े, कोई टाइम भी नड़े नहीं, जवाल भी इसको नड़े नहीं। बाबा पूछो, मैं जाना एक जगह पर मैं निकाह पढ़ाता था तो 1:30 बजे रात का, 1:30 बजे अच्छा के वेले चले आए तो 1:30 बजे ना होते। एक जना आया था कि बापू अभी ना पढ़ो, जो जवाल का टाइम चलता है। तो मैं रातें भी आता है जवाल का, ना 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 अभी नहीं, अभी नहीं, देखो देखो 12:30 1 हुआ जवाल का टाइम। अला रातें भी, अला जवाल किसको कहते हैं खबर है? अला भाई जवाल का टाइम भी निकाह को रोकता नहीं, अला मुहर्रम का दाड़े भी निकाह को रोकता नहीं, अला रमजान भी निकाह को रोकता नहीं, अला ईद का दिन भी निकाह को रोकता, कोई चीज निकाह को नहीं रोकता। इसलिए कि निकाह जो है ये दो आपस में लड़की और लड़के को गुनाह न करें, इसलिए निकाह के बंधन में बांधने का नाम निकाह है, ये निकाह है। लेकिन आज हमने पता नहीं कहां से कहां कहां से कहां, इसलिए निकाह के लिए न कोई वक्त माने हैं न कोई दीन माने हैं, कोई चीज उसको रोकने वाली नहीं है। और जितना हो सके जल्दी जवान बच्चे हो जाएं, जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी। निकाह एक बेहतरीन तोहफा है और किसी कौम को यह तोहफा नहीं मिला। ओ मेरे भाइयों, निकाह का अगर तोहफा मिला है यह मुस्तफा के गुलामों को मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी दुनिया में किसी की शादी ही नहीं है, वो 7 फेरे फिरे के 15 फेरे अपन शादी होती। अगर किसी की शादी है ओ मेरे भाइयों, सिर्फ मुस्तफा के गुलामों की। हाँ ये निकाह है, निकाह इतना बेहतरीन तोहफा है निकाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को पूछा, हल जवस्तान, तूने शादी करी है शादी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो काला कलोटा हूँ, हफ्सा से आया हूँ, मैं मजूरी करने वाला आदमी हूँ, मुझे कौन लड़की देगा? या रसूल अल्लाह, मुझसे कौन शादी करेगा? कोई लड़की भी तैयार न होगी, मैं काला हूँ, हफ्सा से आया हूँ। या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, गरीब। हल तुरीदु ज़व्वज, क्या तू शादी करना चाहता है? या रसूल अल्लाह, करनी तो है पर मेल पड़े ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ बैठ बैठ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पास बिठाया और एक सहाबी को बुलाए, सहाबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी आकर कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या चाहते हो? कहके तू अपनी लड़की का रिश्ता तलाश करता है? या रसूल अल्लाह, आज चलेगा? मुंह जरा फीका पड़ी है, समझ पड़ती है, सहाबी है, जरा दिल में ठीक है भाई, ये लड़का चलेगा? जा अच्छा एक काम कर, तेरी लड़की को बुला लाओ। अब वो सहाबी गए अपने घर, गए और लड़की को कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़का आया बैठा है, हफ्सा से आया है, अगर तुझे पसंद हो तो जा कहीं, हाँ बाकी मुझे तो पसंद नहीं, क्योंकि काला है ना, 6 फुट का था, लांबा है वो, काला कलोटा है और गरीब आदमी है, कपड़ों का भी ठिकाना नहीं है, देख तुझे पसंद हो तो आ गई हो, बाकी मुझे तो पसंद नहीं। ना कह दीजिए ना, ओ मेरे भाइयों, वो लड़की भी लड़की थी, हाँ वो सहाबिया भी सहाबी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाप बेटी आए, बारगाह रिसालत में बैठे, बैठने के बाद प्यारे आका ने सलातो तस्लीम इरशाद फरमाया, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, क्या तुझे ये लड़का पसंद है? लड़की ने शर्म के मारे सर नहीं उठाया,
मेरे आका के सर को देखा, मेरे आका के चेहरे को देखा और फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते हो ये लड़का पसंद है? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने एक जान देती है, अगर अल्लाह 100 जान भी देता आपके इशारे पर मैं कुर्बान कर देती। वो सहाबिया है, सहाबी है। ओ मेरे भाइयों, बाप तो कहता रहा कि तुझे पसंद आए तो हाँ कहना, लड़की कहती एक जान तो क्या, अल्लाह अगर 100 जान भी देता या रसूल अल्लाह आपके इशारे पर मैं कुर्बान कर देती। ओ मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने उस लड़के को पूछा, लभी तुझे पसंद है? ते कह वह मिलती नहीं पसंद है जने, वह तो ढूंढता जू ने। प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने इज्जा वो कबूल करने के बाद रिवायत में आता है, प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने खुतबा पढ़ा और दोनों के लिए दुआ दी थी, जा अल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए दोनों में मोहब्बत अता फरमाए, प्यार अता फरमाए, और सुनो सुनो मेरे तरीके पर जो शादी करेगा अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा का लाड अता फरमाएगा। ओ मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाली शादी, प्यार वाली शादी, लाड़ वाली शादी अगर तुम करना चाहते हो, हमेशा के लिए मोहब्बत प्यार से तुम रहोगे। हाँ, और मैंने एक बात बताई है, कुरान की आयत पढ़ी, अब आयत करीमा सुना, और एक मरतबा बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदीया निसावत पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारी सलीम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नी रायतु अहदा शरकौ कबौ व शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, ये हजरत याकूब अलैहि सलाम और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का कुरान ने बयान किया है, लेकिन अल्लाह फरमा इन्नी रायतु अहदा शरकौ कबौ व शम्स वल कमर। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में औरत को चांद कहा और मर्द को सूरज कहा। औरत को क्या कहा बोलो ना यार भाई, कुरान की बात है। औरत को क्या कहा? चांद कहा, चांद। हाँ, कमर। इन्नी रायतु अहद अशर कौकबं व शम्स वल कमर। हाँ, औरत को चांद कहा, चांद, और मर्द को सूरज कहा। और सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अब कुरान कह दे बात पूरी हो गई ना भाई, कुरान के आगे तो किसी का चलता ही नहीं है। और कुरान जिसको कह देने वो मेरे भाई औरत को चांद कहा है, चांद, और हकीकत में अल्लाह ने औरत को चांद जैसी बनाई है। सुभान अल्लाह, तो बोलो यार, चांद जैसी बनाई है। अगर कोई टूंडाओ का आदमी राठौर और ठाकुर खड़ा होने कह दे कि मेरी औरत तो चांद जैसी है, तो इसमें कहीं वादा नहीं है, क्योंकि कुरान ने भी चांद कहा है। अगर कोई राठौर कह दे कि मेरी औरत चांद जैसी है, छोरी काली कलोटी है, कि मेरी औरत तो चांद जैसी है, तो कोई वादा नहीं, इसलिए कि कुरान ने उसको चांद कहा है। और मेरे भाई, ये चांद जैसी ही बनाई अल्लाह ने। हाँ, अभी तो मैं देखो, जिसके घर में औरतें हैं ना, तो अपने घर को साफ करके, साफ सफाई करके, वाल जोड़ कर, पोता मोता मार कर, सब साफ सफाई करके कैसा घर को चांद जैसा बना देती, बनाती है ना भाई? नहीं बोलते यार? अरे भाई बोलो तो खरे। जिसके घर में औरतें हैं ना, वो उनके घरों को साफ सफाई करके चांद जैसा बना देती। हाँ, मेरा घर देखो चमकता हुआ नजर आ, चांद जैसा। न जिसके घर में कोई ना हो ना, इकले डांडीज रहते हो, तीनों का घर जाना देखा हो, कहीं जाले पड़े हो, कहीं चादर का ठिकाना ना हो, तो समझ जाओ कि इकले डांडीज रहते हैं। हाँ मेरे भाई, कुरान ने उसको चांद कहा है, चांद। और आज का साइंटिस्ट सुनो, साइंस सुनो, साइंस, साइंस कहता है कि चांद क्या काम करता है और सूरज क्या काम करता है। आज का साइंस कहता है कि अगर अकेला 3 दिन सूरज अकेला निकले और चांद ना निकले, अकेला 3 दिन सूरज निकले और चांद ना निकले, तो पूरी दुनिया की जमीन पर आग लग जाएगी। और आज का साइंस कहता है
अकेला चांद निकले, सूरज न निकले, तीन दिन तक अकेला चांद निकले तो दरियाओं के पानी में बुछार आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। मालूम हुआ कि चांद के लिए सूरज का होना जरूरी है और सूरज के लिए चांद का होना जरूरी है, मर्द के लिए औरत का होना जरूरी है, औरत के लिए मर्द का होना जरूरी है। ये दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का जोड़ा बनाया। और आज का साइंस कहता है कि ये चांद क्या करता है, सूरज क्या करता है। चांद सूरज जब अपनी शुआओं को गर्मी के साथ निकलता है, चांद उस शुआओं को अपने अंदर जज्ब करता है तो चांद का गुस्सा थोड़ा नरम हो जाता है। ओ मेरे भाइयों, औरत औरत है और मर्द जब गुस्से से आता है, गुस्से में आता है, कहीं लड़ाई हुई, कहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, झगड़ा लेकर गया, रिक्शा लेकर गया, गाड़ी लेकर गया, कहीं टक्कर मारे, कहीं मेहमा दिया, कहीं ऐसा हुआ, वो गुस्सा जब आता है घर में, पानी लाओ पानी लाओ, औरत कहती ओहो पानी क्या मांगते हो, मैं तो तुमको ठंडा फालूदा पिलाती हूँ। आधा गुस्सा तो नहीं समझ पा, तुम्हारी शादी वादी हो गई है तो तुमको क्या खबर पड़े। जिनको हुई है उनको पूछो, आधा गुस्सा नरम हो जाता है। हाँ, अल्लाह तबारक ताला ने वो लचक रखी यार, वो लचक रखी औरत की जबान में कि आदमी के गुस्से को ठंडा कर देती। ने भाई बाजू में लड़ाई हुआ ने, जो औरत चढ़ाए तो पाछा गर्म भी हो जाए ने, ढोच के भी फोड़े, ये औरत के हाथ में जाने तमन हमत पड़े, इनके हाथ में जाना सारा, अरे सब इनके हाथ में जाए यार। हाँ, लेकिन औरत को अल्लाह तबारक व तआला, और एक बात रहेगी, अल्लाह ने औरत को नेमत भी बनाई, रहमत भी बनाई और बरकत भी बनाई। हाँ सुनो ना, अल्लाह ने नेमत भी बनाई, रहमत भी बनाई और बरकत भी बनाई। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने औरत को जो बनाई, औरत को बनाई वो मेरी नेमतों में से एक नेमत बनाई, मेरी रहमतों में से एक रहमत बनाई, मेरी बरकतों में से एक बरकत बनाई। प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, जिसके घर में तीन लड़कियां होती, कितनी, जिसके घर में तीन लड़कियां होती, छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर देती, प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उस तीन लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को वाजिब कर दिया। एक सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्मीनान बिंतान, दो लड़कियां हो तो, प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में हाँ दो लड़कियां हो, दो छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर देती, प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते, उन दो लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह तबारक व ताला ने बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखला अता फरमाएगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी एक लड़की हो तो, प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी एक लड़की हो, छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया, हाँ उसके माँ बाप को खुशखबरी दे दो, खिलाया पिला अच्छी तरह शादी कर देती, उस एक लड़की के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन अथॉरिटी देगा, जन्नत तो देगा बगैर हिसाब के दाखिला भी देगा, लेकिन और एक इनाम देता है, एक और इनाम देता है, वो इनाम क्या है, एक अथॉरिटी देगा, अथॉरिटी वो एक लड़की के माँ बाप को, अथॉरिटी क्या होगी, कहा वो लड़की के माँ बाप जिसकी तरफ इशारा करेंगे अल्लाह उसको भी जन्नत अता कर देगा। तीन लड़कियों की अच्छी तरह शादी कर देने, मेरे आका अली सलातो तस्लीम ने कहा जन्नत वाजिब है, न दस छोकरे बेवा तो अभी जन्नत का वायदा नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा नहीं है, दस छोकरे बेवा है तो, और हम तो छोकरों की पड़म पड़ी करते, आ दवाखाने में होने कोई खबर आई के छोकरी थी, चलो बोहारू थे, हमारा घर कॉम न थी, काम करने वाली नहीं थी, तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ बात है। अच्छा दो साल के बाद, तीन साल के बाद फिर दूसरी लड़की हुई, तो क्या दूसरी भी लड़की मुँह छात जैसा हो जा, उतरेली छात जैसा, नहीं जो तीसरी हो जाए, तीसरी लड़की हो जाए तो अब क्या कहते, खबर ससुर ननदा खोड़ी ली, तने के लिए छोकरी और था खोड़ी ले, या बिल्कुल सही बात कह रहा हूं सही। और तलाक होती है, तलाक, वाह
बिल्कुल तलाक होती। अल्लाह अकबर, ये हमारी जहालत का आलम यह है। और बिल्कुल सही बात है, ईमानदारी से बात कर रहा हूं मैं, मिंबर पर रसूल पर बैठकर। तीसरी लड़की होने वाली थी या पता नहीं पेट में थी, डिलीवरी का वक्त करीब था और उसके आदमी ने उसको निकाल दिया और यूं कहा कि अगर तीसरी भी लड़की हुए तो तुझे तलाक। अब जो घर आई और उसके बाद मेरे ऊपर फोन आया, मैंने कहा बापू केस करो, केस करने जाता हूं मैं। अरे यार मेरी बहन को निकाल दी और ये। मैंने कहा सब्र करने यार, कोई बावा है, दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह किसी बुजुर्ग के जरिए से लड़की ने लड़का देगा। अल्हम्दुलिल्लाह लड़का हुआ, तो उसका घर हुआ ना भाई। वरना जहालत का आलम यह था कि तीसरी लड़की अगर हो तो तलाक। ये हमारे समाज की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हम और जाकिर बाबा फिर रहे। अल्लाह, ये जहालत। हालांकि उसे मालूम नहीं है कि जिसके घर में तीन लड़कियां होती हैं अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसके घर में तीन लड़कियां हैं तो जन्नत को वाजिब। प्यारे काले सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में लड़की हो लड़के, आहा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में लड़की हो लड़की उसके घर में अल्लाह की रहमतों का नुजूल होता है। लड़के पर नहीं कहा यार। और मैं एक बात कह दूं, पूरा कुरान है ना, कुरान में सूरह निसा है, अल्लाह ने औरतों के लिए पूरी सूरत उतारी, मर्दों के लिए नहीं है। सूरह रिजाल नहीं है भाई, है बाबा सूरह रिजाल नहीं है, सूरह निसा है यार। क्योंकि पीछे मौलाना बैठे ना यार, आप ऐसे बराबर ना तुम्हें उनकारा भरियो पढ़ागे। सूरह निसा है, सूरह निसा, सूरह रिजाल नहीं है वो मेरे भाइयों। औरतों का वो मकाम बयान किया अल्लाह ने, वो मकाम बयान किया, कैसा मकाम है, हमने उसको समझा नहीं है, हमने उसको समझा नहीं है, उसकी कदर नहीं करी, हमने हमेशा उसको दबा कर रखा है, दबा कर। किसी की लड़की की शादी करके लाते हैं ना, हमेशा दबा, तारे बोलवानू नहीं, मारी माना होमी बोले बोलियो, हाँ मेरी पहले दिन शर्तें होती है, पहले दिन एग्रीमेंट होता है, होता तो आएगा पर तुम कहीं बोलते नहीं। पहले दिन एग्रीमेंट, मेरी अम्मा के सामने बोलना नहीं, मेरे सामने ऊंचे ना, आप लोग तो गुस्सो बहुत खराब थे पहले थी। औरत भी समझे कितलू खराब थे मैंने खबर थे। ये सारा एग्रीमेंट होता है। ओ मेरे भाइयों, पहले मोहब्बत तो दे दे, मोहब्बत प्यार तो दे दे, मोहब्बत लाड़ तो दे दे, वो तेरी माँ की आवाज तो क्या, तेरी माँ की भी खिदमत करने के लिए तैयार है। तो जैसा लाड़ देगा, जैसा प्यार देगा, जैसी मोहब्बत, तो आने वाली लड़की के साथ जैसा मामला करेगा वो लड़की फिदा हो जाएगी। ओ मेरे भाई, तेरे माँ बाप की खिदमत करेगी, तेरी खिदमत करेगी, हाँ सब पूरे घर का काम करेगी, लेकिन सबसे पहले प्यार तो दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी औरत से मोहब्बत करना, प्यार करना, लाड़ करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरी सुन्नतों में से बेहतरीन सुन्नत है। हाँ हम तो नई नई शादी होती है ना, तो वो औरत भी समझ जाती है कि आदमी मतलब, तो फिर वादे होते, वादे, अरे तुम जानते हैं ना मैं तो तुम्हारे ऊपर जान कुर्बान कर दूं, बोलो ना समझ पड़ती है मेरी भाषा में, मैं तो जान देने के लिए तैयार, जान देने के लिए तैयार, तो ऐसा। हाँ फिर जरा और मोहब्बत होती है तो मैं तो तुम्हारे को लोही मांगे तो लोही दूंगी, ने जान मांगे तो, बोला तो नहीं ऐसा लगता, बोलो मैं बोलता हूँ, जान मांगे तो जान हजर, ने लोही मांगे तो लोही हजर। अब पिला गांडा गांडा हो जाता, मेरी औरत तो देखिए जान देने तैयार, जान लोही देने तैयार है मेरे। अब ऐसा हुआ कि थोड़े दिन गुजरे गए, थोड़े दिन साल गए और इधर उधर, और अचानक ऐसा हुआ कि चकड़ी आई, गिर गए दरबार, गिर गए दरबार, जाओ भाई जान बुलाओ, बुलाओ 108 बुलाओ, जल्दी आओ जल्दी, बोलो देखो गिर गए। अब वो गाड़ी आई ऊंचक के नाखे दरबार को, दरबार का नाम लो ना वहां था नहीं है भाई, ऊंचक के गाड़ी में नाखे, अब बड़ौदा ले गए, अब उनके घर में से थे ना वो भी लोग, तम ना रहो, चलो तो दूसरी गाड़ी कर दो भाई, इनको बिठा दो, चलो तम भी चलो। अब दवाखाने में गए, बैंक का हाल में गए,
बड़ा हाल में गए, उस दरबार को तेज कराइए कराओ तपा। उनको भाई हार्ड की तकलीफ तो नहीं है, पर लोही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लोही कम है इसको, इनको दो बोतल की लोही की जरूरत है। अब औरत ने देखा कि कहीं मेरा लोही ना काट ले। अब उसकी माँ थी, वह डॉक्टर ने कहा कि भाई, तो वो औरत रोती थी, मेरा लोही तो चले ऐसा नोय, बाकी मैं तो बांट लेना बांट ले। अब उसने रोने का चालू कर, डॉक्टर के भाई तमे शू था, तो हमने धर्म पत्नी से, ना ना तमे रड़जो ना, तमारो लोही तो एम भी चाले जी, तुम्हारा लोही चले नहीं। इसकी माँ है भाई, माँ है इसकी माँ, लड़के की माँ, तो क्या माँ है, तो माँ का लोही चलेगा। माँ ने बिचारी ने कहा ले लो मेरा लो। अब उनका लोही लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट किया, तो उनका एक ग्रुप का था, अब बी ग्रुप का दूसरे नंबर का निकला लोही, तो भाई नहीं नहीं माँ का लोही भी नहीं चलेगा, बी ग्रुप नहीं चले, नहीं चलेगा। ऐसा भाई है भाई, हाँ भाई भाई है, भाई का लोही लिया, फिर उसका टेस्ट करा। अब वो जो पैसन था ना, तो वो टूंडाव का था ना दरबा, लोही गर्म था उसका। अरे डॉक्टर साहब कैसा हुआ, कैसा हुआ? कि भाई तुम्हारी माँ का भी नहीं चले, तुम्हारे भाई का, आ इसका ले लो नहीं डॉक्टर साहब, इसका ले लो। डॉक्टर कहे ना यार, तुम्हें मने मारू काम करवा दो यार, मुझे मेरा काम करने दो, इसका लोही नहीं चले यार, इसका लोही चले, औरत है तुम्हारी, इसका लोही नहीं चले, माँ का चलेगा तो माँ का नहीं चला, भाई का तो भाई का, भाई इसका बाप है बाप, हाँ बाप है भाई, बाप है, बाप का लोही लिया। फिर प्रेशन बोला, कैसा हुआ डॉक्टर? अरे भाई अब जो तो टेस्ट होता है यार, अरे इसका ले लो नहीं यार, ला नहीं चले यार, इसका लोही नहीं चला भाई। प्रेशन बोला भाई मेरे काम कर। अच्छा बाप का लिया तो टेस्ट कर, नहीं चले, डॉक्टर साहब इसका ले लो यार। अब डॉक्टर ने क्या कि भाई प्रेशन के आश्वासन के लिए, जरा अच्छा लगे इसके लिए, थोड़ा सा तुम्हारा ले लो, थोड़ा ये चले नहीं, रोइयो ना, तुम्हें रड़जो ना, तुम्हारा तो चले ज नहीं। अब वो औरत का लोही लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट किया, तो बोलो चल गया। और डॉक्टर साहब प्रेशन बोला, दरबार बोला, बोला टूंडा वाला, अरे कैसा हुआ डॉक्टर साहब, कैसा हुआ? हाँ हाँ चलेगा, हूँ तुमको कस्सी न था कहता कि इसका लोही ले लो, क्योंकि ये 10 बरस से मेरा लोही पीती है। अरे 10 बरस ही लोही पीती है, इसका लोही ने मेरा लोही एक हो गया। आओ एक मतलब बार गए रिसालत में, झुम झुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसाल पेश करे पड़े। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد بن سليم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। असल बात पर आओ कि मेरे भाइयों, औरत को वहां से बात चली थी कि औरत को प्यार दो, लाड़ दो और मोहब्बत दो, जैसी मोहब्बत दोगे, जैसा प्यार दोगे, जैसा लाड़ दोगे, ऐसा लाड़ तुम्हें मिलेगा, ऐसा प्यार मिलेगा, दोनों की ज़िंदगी बेहतरीन खुशनुमा ज़िंदगी चलेगी। प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने भी अपनी औरत का लाड़ किया, अपनी औरत से लाड़, हाँ भाई रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी औरत से लाड़ किया, प्यार किया। और वो मेरे भाई जो नई नई शादी होती है, नई नई शादी होती है ना, तो अपनी औरत को नाम लेकर बुलाता है, समीम समीम कांगे, समीम कांगे, मरियम कांगे, मरियम कांगे, जुबेदा कांगे, जुबे, ऐसा नाम लेकर जब प्यार होता है ना, तो जो नाम लेकर पुकारता है, और प्यार से बढ़कर जब लाड़ होता है ना, तो फिर घर शाम को आता है तो कहता है कह गई मेरी लाली, फिर नाम नहीं लेता, फिर क्या कहता है, लाड़ है लाड़, कह गई मेरी लाली, अब उत्ते काली ने कहता है लाली। और मेरे भाइयों, ये नाम बदल कर लाली कहना, ये भी सुन्नत मुस्तफा है। प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम जब अपने घर में आते थे, घर में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाते थे, आयशा ऐनल आयशा ऐनल आयशा ऐनल आयशा, मेरी आयशा कहाँ है मेरी आयशा। और जब लाड़ करने पर आए तो ऐनल हुमेरा ऐनल हुमेरा, हजरत आयशा का भी नाम बदल कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुमेरा रखा, हुमेरा रखा ने आइन हुमेरा, मेरी हुमेरा कहाँ है। ओ मेरे भाइयों, औरतों को लाड़ दो लाड़, ये लाड़ से बुलवाना, ये भी सुन्नत मुस्तफा है।
सुभान अल्लाह बोलो ना यार, आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी औरत को लाड़ दोगे, प्यार दोगे, मोहब्बत दोगे तो जिंदगी बड़ी खुशनुमा होगी। और मैं तो कहता हूँ जिसके घर में लाड़ है, जिसके घर में मोहब्बत है, जिसके घर में प्यार है, इसका गाड़ा कोई दिन पंचर, अल्लाह पंचर तो क्या हवा भी निकले नहीं, नहीं। ऐसी मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारने पर हाओ मेरे भाइयों कब मिलेगी, जब दोनों का एग्रीमेंट सही, अकाउंट जॉइंटमेंट होगा, हाँ तो ऐसी खुशनुमा जिंदगी होगी। आज देखो 100 में से 80% का पंचर है, बनती नीला घर में ये आवे ने तो औरत तो यूं देख, इसका चेहरा देखने का कब जाए तो अच्छा है ऐसे। वो मेरे भाइयों ये हाल है हमारे घरों का, ये हाल है भाई, बराबर बोलता हूं, बहुत सारे घरों का ये आलम है। हाँ बहुत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिश्कात शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी बताऊं यारे अली सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया सबसे अच्छा आदमी बताऊं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बताओ ना सबसे अच्छा आदमी कौन है, कहा सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने सोहर को देखकर औरत खुश हो जाए, ये सबसे बेहतरीन आदमी है। नहीं बोले यार सुभान अल्लाह। और प्यारे आका अली सलातो तस्लीम की हदीस पाक ऐसी आती है, फरमाते प्यारे अकाली सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले कौन से आमाल को तोलेगा, कौन से आमाल को तोलेगा। साहब ने फरमाया या रसूलुल्लाह सबसे पहले नमाज को तोलेगा अल्लाह, नमाज के आमाल को तोलेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले कौन से अमल को तोलेगा, भाई नमाज को तोलेगा ना। प्यारे अकाली सलातो तस्लीम फरमान ना नमाज के अमल को नहीं तोले, हालांकि अव्वलुल पुरसी नमाज बुअत, सबसे पहले तो नमाज पूछी जाएगी और नमाज का अमल नहीं तोला तो क्या ना। दूसरे सहाबी ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखे होंगे उसके अमल को अल्लाह तोलेगा, कहा ना रोजे के अमल को भी नहीं तोलेगा। हज जिसने हज की है हज के अमल को तोलेगा, का ना हज के अमल को भी नहीं तोलेगा। जकात दी है जकात, जकात के अमल को तोलेगा। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ना हज के अमल को तोलेगा, ना जकात के अमल को तोलेगा, न सदकात के अमल को तोलेगा, न नमाज के अमल को तोलेगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताओ ने सबसे पहले कौन से अमल को तोलेगा, प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले अगर अल्लाह तबारक व तआला कोई अमल को तोलेगा वो अमल मियां बीबी के सुलूक को तोलेगा। जोर से बोलो ना और भी एक मरतबा बोलो ना, हाँ सबसे पहले कौन से अमल को तोलेगा, मियाँ बीबी के सुलूक को तोलेगा, मियाँ बीबी के सुलूक। या रसूलल्लाह ये मियाँ बीबी के सुलूक को, जी हाँ मियाँ बीबी के सुलूक को तोलेगा। और मैंने वो हदीस पाक बयान की कि जब अपनी औरत आदमी को आता हुआ देखे और खुश हो जाए, एक हदीस पाक आता। प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते सबसे पहले कौन सी औरत जन्नत में जाएगी, सबसे पहले कौन सी औरत जन्नत में जाएगी। सहाबी ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाजें बहुत पढ़ती होगी ये जन्नत में जाएगी, तो आप तशरीफ रखो। दूसरे सहाबी ने फरमाया रोजे बहुत रखती होगी वो जन्नत में जाएगी, तो आप भी तशरीफ रखो। बहुत तस्बीह पढ़ती होगी सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, का ये औरत जन्नत में जाएगी, आप भी तशरीफ रखो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुरखा पहन कर चलने वाली औरत होगी माहया होगी पर्दे के साथ फिरती होगी वो सबसे पहले जन्नत में जाएगी, का आप भी तशरीफ रखो। प्यारे आका ने सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया आप तशरीफ रखो। या रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने वाली सबसे पहले जन्नत में नहीं जा करना, रोजे रखने वाली औरत सबसे पहले जन्नत में नहीं जाएगी करना, तस्बीह पढ़ने वाली सबसे पहले औरत जन्नत में नहीं जाएगी बोले ना, बुरखा पहनने निकलने वाली बाहया बोले ना। या रसूलल्लाह जरा फरमा दो ने कौन सी सबसे पहले औरत जन्नत में जाएगी। मेरे अकाली सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया
सबसे पहले वो औरत जन्नत में जाएगी। शाम का वक्त हो, मसलन शाम का वक्त हो और सोहर नुक्कड़ पर और औरत नुक्कड़ पर दरवाजे के डेली पर खड़ी हो, शाम का वक्त हो औरत डेली पर खड़ी हो, अपने सोहर को आता हुआ देखे। भाई नौकरी पर से आता है, कोई गाड़ी लेकर ट्रैक्टर लेकर खेत में गया है, शाम का वक्त है, अपने सोहर को आता हुआ देखे। औरत कहाँ खड़ी है? डेली पर खड़ी है, घर के नुक्कड़ पर खड़ी है, डेली पर खड़ी है, अपने सोहर को आता हुआ देखे और मुस्कुराने लगे, खुश हो जाए, मेरे सर का ताज आता है, मेरा खावीन आता है, तब मुस्कुराने लगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हाँ ये सब औरतों में से सबसे पहली ये औरत जन्नत में जाएगी, अपने सोहर को आता हुआ देखे और मुस्कुराने लगे। मेरे सर का ताज आता है, ये मेरा सोहर आता है, मेरा खावीन आता है, बस देखकर मुस्कुराने लगे। कहा ये औरत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। लेकिन हमारा मामला तो उल्टा है, जो शाम के टाइम पर डेली पर खड़ी हो अपने सोहर को आवता ना देखे, कहीं जबले में लावता देखे। लावता ना देखे, जबले में कहीं लावता देखे, न जो जबले में कहीं ना लावे, न छाना माना आवे, ते घर में ना जाए, नहीं वे पिला के पानी ला, अबे पी ले नहीं तेरा ला, पानी तो पीला हूं, थक गया ला, रिक्शा लेने गया था, टेम्पो लेके खेत में, ट्रैक्टर लेके, ठीक है मेरे लिए थक गया कि तेरे दो लवारों के लिए थक गया। अबे जन्नत में जाए, दरबार ना भी नहीं बोलते, बोलो क्योंकि आजू बाजू बैठे पाजे घर जाने खतर ने वधर हमत पड़ती थे नहीं ला, ये भी अग्रज ने पाजे बाबू तमे तो हमने नहीं जसो पर हमारा दरवाजा तमे बंद करवाएंगे। हाँ मेरे भाई, हंसते हंसते रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो ने, जो औरत अपने सोहर को देखकर मुस्कुराने लगे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये सबसे पहले जन्नत में औरत जाएगी। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, अपने सोहर की इज्जत करें, इकराम करें। हाँ मेरे भाइयों, हाँ अल्लाह तबारक व तआला क्या देगा? ओ मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं कह रहा था शादी करो ना शादी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इसमें अल्लाह बरकत देगा, इसमें प्यार देगा, इसमें मोहब्बत देगा। आज हमारी शादी कैसी होती है? ओ मेरे भाइयों, हमारे पहले की औरतें होती थी, पहले की औरतें ससुरा बाहर बैठा हुआ, ससुरा बाहर बैठा हुआ ने बहू के निकलना हो तो लाज काटती थी, ऐसा होता था, जैसा हो ऐसा हक नातों को जैसे जानते नहीं। अरे भाई ससुरा बाहर बैठा हुआ ने तो मारा ससुरा बैठा तो लाज काटती थी, मुंह ढांपती थी और बाहर निकलती थी और जोर से बोलती थी, उसका आदमी भी कभी कहे ना बाहर बैठा बोलती भी नहीं। वो पहले का जमाना था, अभी ऐसा ना भी नहीं कह जैसा बहुत डरते जा रहा है बाबू। नहीं वो पहले का जमाना था कि वो जो बहू थी ना छोकरे की बहू, वो हाँ वो बाप समझती थी, ससुरा को बड़ा समझती थी, बाहर नहीं निकलती थी, मुंह ढाप कर निकलती थी, जोर से बोलती नहीं थी। ओ मेरे भाइयों, बड़ा एहतराम थी, बड़ा इज्जत थी। हाँ आज इनके एहतराम को, इनके इज्जत को, इसके मापे को, ओ मेरे भाइयों, इसकी हया को इन्होंने नहीं तोड़ा, हमने तोड़ा है, हमने तोड़ा है। कोई पूछे कि बापा बाबा ये कैसी अवली बात करते यार, हमने तोड़ा, हमने सिखाई है इनको। अरे ओ मेरे भाइयों, हम दोनों साथ में बैठकर टीवी देखते, ससुरा भी ने छोकरे की जैसा वैसा बोल, टीवी साथ में देखते, सीरियल देखते ने, कहीं जो ससुरा को कहीं सवाद आया ने तो क्या आओ हो जो मार ताली, तो औरत ताली मारती है। ओ मेरे भाइयों, हाँ अब ये बहू ताली मारे, अब हया रे लमाबा रे, होता है दोनों साथ में सीरियल देख रहे हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं, मैं बराबर बोलता हूँ, हाँ टीवी ससुरा भी देख रहा है, बहू भी देख रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, ये हया को इन्होंने नहीं तोड़ी, ये शर्म को इन्होंने नहीं तोड़ी, ये शर्म और हया को हमने तोड़ी है, हमने तोड़ी है। आज इसका भुगतना पड़ता है कि ससुरा बाहर बैठा हो
औरत जोर से बोल रही है और कभी कभी जब बुढ़ापा आ जाता है तो डोसला बैठनी बहनी छोड़ो मेरा डोहो भाई बराबर बोलता हूँ अब बहु छोकरे की बहू मुझे बोलती है तब बोले ना तेना ताली से मारी ला ते टाइम पर ताली मारी थी ना वो मेरे भाई हया तोड़ी थी हया बिल्कुल बात कह रहा हूँ सही चोट यानी दिल में लगने वाली बात कह रहा हूँ हाँ मेरे भाई इसलिए छोकरे की बहू को बेटी समझो बेटी हाँ साथ में सीरियल ना देखो वो मेरे भाई टीवी ना देखो साथ में न ताली ए, 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 ये बात कर हाँ हाँ ये हम हया और पर्दे को तोड़ते हैं और फिर हमारे भुगतना पड़ता है बुढ़ापा आता है तो खाना देने के लिए भी तैयार नहीं है भाई बराबर बोल रहा हूँ हाँ खाना देने के लिए तैयार नहीं है हमारा भाई खुदा ना खास्ता बुढ़ापा आ गया अगर पेशाब पाखाना भी हो गया हाँ तो वो साफ करने के लिए भी तैयार नहीं भाई ये क्या हुआ ये सारा माहौल हमने बिगाड़ हम वडील हैं हाँ हम वडील हैं घर के ओ मेरे भाइयों इज्जत हमारे हाथ में औरतों को कैसे रखें बेटियों को कैसे रखें मोहब्बत प्यार से उनके सामने पेश आए ओ मेरे भाइयों ये सारा जो हम कर रहे हैं आज कर रहे हैं ये हमारे पैरों पर कुवाड़ियां हम मार रहे हैं भाई बराबर बोलता हूँ दरबार इसलिए बहू को बहू समझो ये बेटी है मेरी बेटी इसकी खुद इज्जत करो हमेशा एहतराम करो इस्लाम का तरीका यह है कि ससुरा के घर में जाना हो तो पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों पहले सलाम करें जवाब आए फिर दाखिल इनके बेडरूम में लड़का और लड़का और उसकी औरत के बेडरूम में तुम जाना एंटर होते हो और बगैर सलाम के ना जाओ भाई बराबर बोलता हूं हाँ ये हया है ससुरा है तो क्या और ससुरा को तो फिर जांच जांच के कदम रखना है जांच जांच लेकिन वो मामला आज नहीं रहा आज मुसीबत हमने अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी मेरे भाइयों बात आगे निकल गई आओ एक मतलब बार गया रिसाला इन्नी रायतु अहदा शरकौकबं वश्शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन हाँ कुरान ने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में औरत को क्या कहा भूल गए भाई औरत को क्या कहा चांद कहा चांद और मर्द को सूरज कहा वो मेरे भाइयों अल्लाह ने औरत को चांद जैसी ही बनाई है औरत को अल्लाह ने चांद जैसी बनाई है चांद जैसी बनाई है ये कुरान कह रहा है कुरान ओ मेरे भाइयों अल्लाह ने औरत का चेहरा भी चांद की तरह बनाया है तो मैं कहता हूं हाँ इसे पाउडर लगाने की जरूर दो चार जन के परिवार गए बोलते हाँ औरत को अल्लाह ने चांद जैसी बनाई है पाउडर की जरूर लाली की जरूर आईब्रो करवाने की जरूर ओ मेरे भाइयों कैसा रिवाज के समझ ना पड़ी ओहो अब मैंने एक जगह पर बयान करते करते कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में 25,000 कम से कम 25,000 हूरें देगा अल्लाह 25,000 हूरें देगा कम से कम कितनी अब दरबार विचार करते हैं एक गांठी नहीं इतनी बड़ी हूं करो आ एक की बात करो ना एक में थक गए ना पाजी 25,000 ता दे हाँ हाँ अल्लाह तबारक व ताला कम तबकात वाले को 25,000 हूरें देगा जन्नत हर जुमा के बाद तोहफा अब मुझे वो बयान नहीं करना मुझे खाली इशारा करना है कि अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में हूरों का मालिक बनाएगा हूरें हर जुमा की नमाज के बाद एक तोहफा अल्लाह हूर का देगा दुनिया हासिल नहीं हुई इतनी दुनिया हासिल नहीं हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का खिलाफत का दौर आया आपके जमाने में भी दुनिया हासिल नहीं हुई लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का जमाना आया इतनी सारी दुनियों का दुनिया 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 माने दौलत दौलत के अंबार अल्लाह ने लगा दी कैसर और किसरा के कंगन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में आए सोना और चांदी के ढेर लगा दिए अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दुनिया हासिल नहीं हुई दौलत इतनी नहीं मिली अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी इतनी दौलत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का जब जमाना आया खिलाफत का अंबार लगा दिया अल्लाह ने दौलत के अंबार
लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हां आपके कपड़ों पर 14 पैवन है, 14 पैवन। भाई समझ में आ रही बात, 14 थिगले है और कौन है, बादशाह है बादशाह। दुनिया भी इतनी सोना और चांदी के अंबार अल्लाह ने लगा दिए, फिर भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के कपड़ों पर 14 पैवन है। ओ मेरे भाइयों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला है, एक डेगड़ा लेते हैं, डेगड़ा पानी का मटका लेते हैं, मटका और भरा हुआ भर के जा रहे हैं। पूछा, ए उमर आप तो बादशाह हो, आपके पास इतनी धन दौलत है, आप इतने मालदार हो, 22 लाख मुरब्बा जमीन के बादशाह है आप। 22 लाख मुरब्बा जमीन आपके जमाने में फतह करी हजरत उमर ने, और ये आलम है डेगड़ा पानी का। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ये पानी का मटका इसलिए भरा है, पानी का डेगड़ा इसलिए भरा है, वो बेवा औरत है, उससे चलाता नहीं है, पानी भरने नहीं जा सकती, वो प्यासी है, उसको मैं पानी पिलाने के लिए जा रहा हूँ। ओ मुसलमानों, हाँ आज तो जरा 2 पैसे हमारे पास आ गए ना, तो हमारा वट माता नहीं, चाल भी बदला जाती है न, जबान भी नहीं बोलोगे, ये साची बात बोलो तो खरे भाई, बदला जाता ना आदमी के पास, थोड़ा मर्तबा आ जाता है, थोड़े पैसे आ जाते हैं। आओ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, 14 पैवन, मैं असल बात पर आता हूँ, असल बात पर 14 पैवन है, पैवन 14 पैवन है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना और हजरत हफ्सा, ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की लड़की हजरत हफ्सा, ये दोनों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियां हैं। ये दोनों बीबियों ने मशवरा करा कि हजरत उमर को अपने कहिए तो खरे कि कपड़े भी आप बादशाह जैसे पहनो ने, आप तो कैसे कपड़े पहनते, इतनी सारी दौलत है आपके पास, आप बादशाह है बादशाह, तो मुमताज होना चाहिए, लगना भी चाहिए ना कि बादशाह है, और कपड़ों का आलम ये, आप चलो अपने कहिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला और आपकी लड़की हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की लड़की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में थी, ये दोनों अमीरुल मोमिनीन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी, ये दोनों ने मशवरा किया कि तू बेटी है ना, तेरे बाप को कहने, मैं भी कहने लगूंगी, चलो अपने दोनों जाइए। अब ये दोनों औरतें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बीबियां अमीरुल मोमिनीन, हाँ दोनों गईया हजरत उमर के पास, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, आ जाओ आओ आओ, बड़ा इकराम किया, बड़ी इज्जत की और इनको बिठाया, पूछा क्या हुआ, किस बात के लिए आए हो। आए उमर, एक बात करनी है, शर्म महसूस होती है, बात करने की हिम्मत नहीं होती। कहा बोलो बोलो ना, कोई वादा नहीं, बोलो बोलो ना, क्या कहते हो, बोलो, तुम तो मेरी माँ है आयशा, तू तो मेरी माँ है, बोल बोल क्या कहते। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने हजरत हफ्सा की तरफ इशारा करा, हफ्सा कहने, अमीरुल मोमिनीन आप बादशाह हो, इतनी सारी दौलत है, कम से कम कपड़े तो अच्छे पहनो, फर्स्ट क्लास कपड़े पहनो, बादशाह लगे ऐसे तो कपड़े पहनो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी बेटी हफ्सा, ओ हजरत आयशा, तुम दोनों मशवरा देने के लिए आई हो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े। अच्छा मुझे जरा बताओ ना, अय आयशा, तेरे अब्बा ने कितने जोड़ी कपड़े पहने थे, अय आयशा जरा बताओ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जोड़ी कपड़े पहने थे। ओ मुसलमानों, मोहब्बत प्यार की बातें तो सुनो, कितने जोड़ी, कभी कभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक जोड़ी कपड़े थे, उसको धोते थे, सुकोते थे। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का टाइम हो गया, मेरे आखा ने इरशाद फरमा, कपड़े सुकोने रखे हैं, सूख जाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, ये प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम का आलम था। फरमाया आयशा, प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम के पास कितने जोड़ी कपड़े। आयशा की आंखों से आंसू निकलने लगे, हाँ हाँ ऐ उमर, एक ही जोड़ी कपड़े थे, कभी कभी उस धोते थे, सूखते थे, पहन कर जाते थे, तो फिर मुझे मशवरा देने के लिए आई हो कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, तुम बादशाह लगो ऐसे कपड़े। तो कहते नहीं, उस वक्त तो दुनिया नहीं थी, ये सारी दुनिया के अंबाल लगा दिए, दौलत के अंबाल लगा दिए। हाँ हाँ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते, वो आयशा ये दौलत अपनी नहीं है, ये तो कौम की दौलत है।
कौम की दौलत है। ओ मेरे भाइयों, आज हमारी औरतों के कपड़े देखें, आज हमारी औरतों के कपड़े, भाई बराबर बोलता हूं, आज हमारी लड़कियों के कपड़े देखें, तिजोरियां फूल है फिर भी इनों का दिल भरा था, जितने नवे आवे तो, फेरी आवे तो, लहरी वाला आवे तो, लब बोलो तो खरे, लेते आएंगे नहीं कपड़े भाई, इतने सारे कपड़े क्या जरूरत है। ओ मेरे भाई, इतने सारे कपड़े, हाँ हाँ अल्लाह ने आपको दौलत दी है, सही है, हाँ हाँ उसका इनकार नहीं है, लेकिन वो भी निमिट होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो ये सारी फजूल खर्ची में से, फजूल खर्ची है ये लाली पाउडर और ये और वो, ये जायदाद जितनी चीजें हैं वो फजूल खर्ची हैं। ओ मेरे भाइयों, चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, चंद दिन की जिंदगी, और मैं कहता हूं हमारी शादियों में तो गरबे खेलती हैं, उसके कपड़े भी तीन जने बोले दादा तुम्हारे छह के परवारी गया, क्योंकि दो तीन जने बोलते दूसरे बोलते नहीं, ये गरबों के कपड़े भी अलग है, वो चोली और चनिया और पता नहीं क्या क्या। ओ मेरे भाइयों, हम मुसलमान है, मुसलमान हम मुस्तफा के गुलाम है, मुस्तफा के गुलाम, हमारी औरतों को, हमारी लड़कियों को समझाओ, समझाओ ये गरबे हमारे लिए नहीं है, ये नाच गाना हमारे लिए नहीं है, हम तो बाहया है, बाहया। ओ मेरे भाइयों, जो औरत इस्लाम के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, वो रात की तन्हाई में अपने शोहर के लिए दुआ करती है, दुआ उसकी दुआ को पीर और मुर्शिद की दुआ से पहले अल्लाह कबूल कर लेता है। वो औरत रात को नमाज पढ़ के दुआ करती है, ओढ़ना उठाती है अपने शोहर के लिए, ऐ अल्लाह मेरी शोहर की जिंदगी में बरकत दे दे, ऐ अल्लाह बीमारी से उसकी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह छोटे छोटे बच्चों की किस्मत की रोजी दे दे। कहते जो औरत ओढ़ना उठाकर रात की तन्हाई में अपने शोहर के लिए दुआ करती है, अल्लाह तबारक व ताला पीर और मुर्शिद की दुआ से भी पहले कबूल कर लेता है। अब कोई पूछेगा कि बाबा पीर और मुर्शिद आले रसूल सादात किराम तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले अल्लाह अल्लाह करने वाले, इसकी दुआ पहले कबूल ना होए, ने अबले की माँ की पहले कबूल है, भाई बात समझ में आ रही है, इसकी दुआ पहले कबूल ना पीर और मुर्शिद की पीछे, हाँ ऐसा क्यों, इसके लिए कि सौ में एक का जो है, सौ में नहीं बोलूंगा, एक दुआ करना रही, अल्लाह मेरे सोहर की उम्र में बरकत दियो, ऐ अल्लाह इसकी किस्मत, ऐ अल्लाह इसको नजर बद से इसकी हिफाजत करियो, ऐ अल्लाह इसकी रोजी में बरकत दे, इस सौ में से एक का जो है, बाकी नवाणु तो ओ तेरी मैयत पड़े न तू पाछा ना आवे न तू अंतरियाल डटा जाए, ओ मेरे भाई ने खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हुआ मैं इसको लेकर आए तो पीछे छेड़ा वाल नहीं रोती है, तुम्हें कहीं कहते ना गए तुम्हें इकले चले गए, बोले ऐसा ना रो, ऐसा रो कि तुम्हें कहीं देते ना गए, बागली रिक्शा रखने गए, अच्छी रिक्शा रखने गए होते तो ड्राइवर रखने भी तो चलाते हाँ मेरे भाइयों, हंसते हंसते एक बात कह दूं, ये फजूल खर्ची हैं और गरबे कभी न देखें न खेलें, ये रिवाज गलत हैं और ये हराम है, हराम। ऐसा करने से अल्लाह तबारक व ताला जिसके घर में शादी होती है ना, अल्लाह उसके घर में से बरकतों को उठा लेता है। तब तुम्हें तुम्हारा नख खुद तो नहीं वालते पर सामने वाले का भी नख खुद वालते, इसलिए बलाए मेहरबानी इनके लिए कोई आयोजन भी ना करें भाई, क्या है कि माइक का आयोजन पे क्या पता नहीं क्या क्या आयोजन करते हैं, खेलने वालों के लिए रिश्तर खाना पकाते हो, ये हमारा रिवाज नहीं है, ये तो गैरों का रिवाज, रजबूतों का रिवाज है, मुसलमान का नहीं है। अपनी औरत को, लड़कियों को, अपनी माँ बेटियों को बाहया बनाओ, मेरे नबी की तालीम दो, मेरे नबी की सुन्नतें बताओ, अल्लाह तबारक व ताला ने इसी में मोहब्बत रखी है, प्यार मोहब्बत ढूंढना चाहते हो
ओ मेरे भाई प्यार मोहब्बत, हाँ हाँ थाईलैंड के बाजार में नहीं है, अमेरिका के बाजार में नहीं है, अगर मोहब्बत प्यार अगर कहीं कोई कोई जगह मिलती है वो मेरे मुस्तफा की सुन्नत में है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक शादी करो, करेंगे इंशाल्लाह। भाई मेरा वक्त खत्म हुआ, एक घंटा हुआ, एक बात रह गई, निकाह। और निकाह को निस्फुल ईमान क्यों कहा भाई, कह दो पीछे वाले। बोले सुभान अल्लाह। वो एक बात छूट गई थी कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये बेहतरीन तोहफा निकाह का दिया, बेहतरीन तोहफा निकाह का और मुसलमानों को दिया। ओ मेरे भाई, ये निकाह, निकाह क्या है, निकाह का तर्जुमा क्या है, निकाह का माना क्या है, निकाह अल्लाह ने ऐसा बेहतरीन तोहफा, अनमोल तोहफा मुसलमानों को दिया है, और उस तोहफे को, उस निकाह की बरकत को गरबे खेल कर ना बिगाड़ो, टिमली खेल कर ना बिगाड़ो, इमली खेल कर ना बिगाड़ो, बैंड में ना बिगाड़ो। ओ मेरे भाइयों, ये मोहब्बत प्यार वाला तोहफा है, अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह तो मेरी मोहब्बत है। सारे सुन्नत का तर्जुमा करें, मैं कह रहा हूं निकाह तो मेरी मोहब्बत प्यार और लाड़ का नाम है। ओ मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत और लाड़, इसका नाम निकाह है। वरना तुम चाहो तो अभी जैसे चल रहा है कि भाई कहीं से भी हाथ पकड़ कर ले आओ, कोर्ट में मैरिज कर लो, चलता है, होता है, गमे उसको भी ले आओ, कैसे भी उसको नहीं देखा जाता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली मालिही वली नसबिही वबी जमालिही वस्फुर विद्दातिद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु। चार सिफतें बयान किए, असल में वो वक्त ना रहा, चार सिफतें बयान करने के बाद फरमाते आखिर में, वस्फुर फिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की है, नमाज पढ़ने वाली है, सबर करने वाली है। ओ मेरे भाई, ऐसी लड़की जब दीनदार हो, वस्फुर फिज़ातिद्दीन, प्यारे अकाली सलात तस्लीम फरमाते हैं, उसके बंगले को ना देखो, उसकी गाड़ियों को ना देखो, इसकी मिल्कत को ना देखो, या रसूलुल्लाह क्या देखे। कहा वो देखो कि वो दीनदार है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाली है, उसको देख लो और उससे निकाह कर लो, अल्लाह बरकत मोहब्बत प्यार अता कर देगा। आज हमारी निगाहें क्या है, हम क्या बंगले को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, मिल्कत को देखते हैं, ये सारा देखते हैं। इसीलिए हमारे निकाह करने के बाद जो मुसीबत खड़ी होती है, अल्लाह वाला आज हम देख रहे हैं, 100 में से 70% लोग आज मुसीबत में मुबतला है। भाई बराबर है ना भाई, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमारी शादी रहमत आलम सलम की सुन्नत के मुताबिक नहीं हुई। इसलिए मेरे भाइयों, जितने भी बैठे इरादा करो, हमारी शादियां इंशाल्लाह, हमारे बच्चों की शादियां सुन्नत के मुताबिक करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अगर प्यार चाहते हो, अगर मोहब्बत चाहते हो, दिंदा लड़की होगी सासू ससुरा की खिदमत करेगी, ना बणेली आएगी ना बणेली। ओ मेरे भाइयों, उसका हाल क्या है देख रहे भाई, बराबर बोलता हूं। और हम ज्यादातर बणेली ढूंढते, पढ़ेली नहीं ढूंढते। और हमारे बाबा ने फरमाया था कि भाई ऐसे जिसके घर में हाफिजुल कुरान हो, आलिमा हो, आलिमा, अरे कम से कम आलिमा ना हो तो कुरान तो पढ़ने वाली हो, समझदारी तो हो, इसमें हमारी भलाई है, इसमें हमारी भलाई। प्यारे अकाली सलातो तस्लीम की एक बात बयान कर लूं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लड़की की बिदागरी दी थी, बिदागरी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला, ये आखिरी बात है, आपकी बिदागरी दी थी, बिदागरी। जब बिदागरी का वक्त आया तो बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला ना की आंखों से आंसू निकले, रोने लगी और कहने लगी, काश के मेरी माँ होती, जिंदा होती। आपकी अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला दुनिया से तशरीफ ले गए थे, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे हाथ से, अपने हाथों से मुझे बिदागरी देती। प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने ये बात सुनकर फरमाने लगे, ओ बीबी फातिमा, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, हाँ तेरे रोने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ नहीं है तो क्या है, लेकिन तेरा बाप तो है, आज तेरा बाप अपने हाथ से बिदागरी देगा। प्यारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ओ उम्मे सलमा, ओ उम्मे सलमा, चद्दर लाओ, चद्दर ले आओ, मैं अपने हाथ से मेरी लड़की को चद्दर उड़ाकर बिदागरी दूंगा। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने
घर में गई, जल्दी जल्दी घर में गई और एक चद्दर लाई। ओ मेरे भाइयों, वो चद्दर भी ऐसी थी जिस पर 14 पैवन थे, 14 ठिगले ठिगले। और रावी बयान करते हैं कि इस पर 2 ठिगले तो चमड़े के थे। ये सारे नबियों के सरदार की बेटी है, इशारा करें तो जन्नत से मखमल की चद्दर आ जाओ, भाई आ जाओ ना, आ जाओ ना। लेकिन ये क्या था, ये असल में बिदागरी देनी थी अपनी लड़की को और बताना था उम्मत को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लड़की को चद्दर उड़ाई और फरमाया, ओ बेटी अभी तक तो मेरा कहला मानती थी, मेरा कहना सुनती थी, मेरा कहला मानती थी, लेकिन आज के बाद ओ मेरी बेटी अली का कहना मानना। ये बाप बेटी को नसीहत करता है। ओ मेरे भाइयों, नसीहत की जरूर नहीं थी, लेकिन ये नसीहत क्यों कर रहे, कहना बीबी फातिमा को था और सुनाना उम्मत को था। जोर से बोलो सुभानअल्लाह। बस ये आखिरी बात, ओ बेटी अली की बात को सुनना और अली जब गर्म हो जाए तो तू नरमी से बात करना। ओ मेरी बेटी अली की खिदमत करना और सुन ले, कभी नमाज को न छोड़ना। हालांकि नमाज छोड़ती थी क्या, नहीं यार, कभी नमाज नहीं छोड़ती। फिर ये नसीहत, हाँ कहना बेटी को था और सुनाना, बोलो ना यार, उम्मत को था, उम्मत को सुनाना था। ओ बेटी सुन ले, अगर घर में हो तो खा लेना और अगर घर में खाने का ना हो तो सब्र करना, तेरे सब्र करने के बिना पर अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनहगार उम्मत को माफ कर देगा। ये बेटी को नसीहत कर रहे हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ बेटी अली की बात को सुनना, अली का कहना मानना, घर में हो वो खा लेना और बाकी का सब्र करना। और ओ बेटी अगर कोई तकलीफ पहुंचे, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़कर अली के बारे में दुआ करती रहना। ये बाप नसीहत करता है, ओ मेरे भाइयों नसीहत करता है। आज हमारे बिदागरी होती है ना तो जरा देखो, बाप कहता है कि घबरे ना, ने सासू का तो सुनी ला, बोलियो सासू का तो सुनी ना, ने तेरा आदमी कहीं कहे ना तो फोन करी पुलिस स्टेशन में आ दूंगा, घबरे ना बेटा, घबरे ना, हूँ तेरा बाप है ना, कहीं वादा नहीं जीवता, घबरे ना। ये नसीहत कर रहे हैं और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक अपनी बेटियों को नसीहत करो। वो मेरे भाइयों इनके घर घर आबाद होंगे, इनके घर आबाद होंगे। अगर तुम ऐसी नसीहत करोगे ने तो घर बर्बाद होंगे। आज तलाक 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 छूटा होता है, हाँ हाँ कोर्ट में केस जाता है, पुलिस स्टेशन में केस जाता है, बड़ी मुसीबत है। ये मुसीबत कब आती है, वो मेरे भाइयों माँ बाप खुद नसीहत करें अपने बेटी, बेटा सब्र करना, ऊंफ न कहना। देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसी बरकत देता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों के घर शादी है, अल्लाह इनके निकाह में बरकतें अता फरमाए, आपस में मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सारे गाँव वालों को मोहब्बत प्यार से रहने के लिए तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया आपने सुना, अगर कुछ मेरी भूल हो गई हो अल्लाह पीरों के सदके में माफ़ी अता फरमाए। तो आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम के लिए खड़े हो। Ya Nabi Salam Alayka, Ya Rasul Salam Alayka, Ya Habib Salam Alayka, Salawatullah Alayka, Hey Mere Mawla ये प्यारे नूर की आंखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, Ya Habib Salam Alayka, Salawatullah Alayka.
आज की इस पुनर महफिल में तेरी हमद की, तेरे नबी की नात की, तेरे मकबूल बंदों का जिक्र किया। परवरदिगार इस जिक्र खैर को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। इस महफिल पाक में मर्द औरत, बूढ़े बच्चे, जवान जितने हाजिर आए हैं, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। हम सबकी जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान की हिफाजत, रोजी रोजगार में, इज्जत आबरू में, इल्म व अमल में, उम्र में खूब खूब बरकत अता। परवरदिगार आलम, आज की तकरीर में जो नसीहत की बातें हुई, उन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता। बिलखुसूस मेरे मौला, शादी के मौके पर अजीम शान जश्न-ए-बाज का प्रोग्राम रखा गया, इस रस्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, बच्ची की शादी जिस तारीख, जिस दिन, जिस समय हो, निकाह की रस्म अदा की जाए, निकाह के दरमियान में कुरान की आयतों को, कलमात को पढ़े जाए। परवरदिगार इन तमाम आयतों के, कलमात के अनवार तजल्लियात खुसूसन बिलखुसूस दुल्हा दुल्हन पर नाज़िल फरमाए। परवरदिगार उसको निकाह की बरकत से मालामाल फरमाए। यास्मीन नाम है, यास्मीन बानो को या अल्लाह निकाह की बरकतों से मालामाल फरमाए। भाई अल्लाह, मेरे महबूब, तेरे महबूब साहिब औलाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके वसीले यास्मीन बानो की शादी के मौके पर उसके अब्बा, उसके बड़े अब्बा ने जो भी खर्चा किया, उसे कबूल फरमा। इस खर्चे का बेहतर बदला इनको दुनिया आखिरत में अता। आमीन। मेरे मौला, निकाह की बरकत से इनकी दुनिया आखिरत को आबाद फरमा। आने वाली नागहानी मुसीबतों से महफूज फरमा। बिलखुसूस मेरे मौला, निकाह की बरकत से इन मियाँ बीबी में, दुल्हा दुल्हन में ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा जैसी मोहब्बत तूने आदम अलैहि सलाम और माँ हव्वा के माबे नदा, इब्राहिम खलीलुल्लाह और माँ हाजरा माँ सारा के माबे नदा। खुसूसन दुल्हा दुल्हन को ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा जैसी मोहब्बत मेरे मौला तूने तेरे प्यारे नबी और माँ आयशा माँ खदीजा के माबे नदा, अली शेरे खुदा और फातिमा के माबे नदा। परवरदिगार आलम, जिस जिस घर में, जहाँ जहाँ शादियों का मौका मैसर हो, परवरदिगार उन घर वालों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नत और शरीयत पर निकाह और शादी करने की तौफीक अता फरमा। इनको हिम्मत अता फरमा, इनको समझ अता फरमा, नसीहत की बातों पर हमको अमल की तौफीक अता फरमा। आखिरकार परवरदिगार, ये मीलाद पाक को सजाने में हमारे भारू भाई को जो भी खर्चा हुआ, भाई अल्लाह इस खर्चे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस खर्चे का बेहतर बदला इनको दुनिया आखिरत में अता फरमा। इनके घरों से बला, बीमारी, परेशानी, पशेमानी दूर फरमा। इनके घरों में तेरी बरकतें, रहमतें, नेमतें नाजिल फरमा। आने वाली नागहानी मुसीबतों से महफूज फरमा। कारें की नेमतों से मालामाल फरमा। वो सो ख्वाजा के सदक़े, मखदूम मुर्तज़ा के सदक़े, ऐ परवरदिगार आलम हमारी दुआएं कबूल फरमा। खुसूसन बिलखुसूस मेरे मौला, तेरी बारगाह में यही दुआ है, शादी के बाद दुल्हे को अली का तेवर अता फरमा, अली का किरदार अता फरमा, अली की सीरत अता फरमा, निकाह के बाद दुल्हन को माँ फातिमा का किरदार नसीब फरमा, माँ आयशा का किरदार नसीब फरमा, वसो ख्वाजा के सबके, मखदूम मुर्तज़ा के सबके हमारी दुआएं कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला خير خلقه بنور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اقرا الفاتحه اعوذ بالله كل انبياء المرسلين كل فقراء الشهيدين كل صحابه الشهداء كل ابو سي پاک غری نواز مسلم پاک مفتی غری سلسلہ قادری واہ چشتی اشرفیہ نقش بندی اور صحابہ دیا برکاتیہ وسیلہ مداری اور وارث میں ہیں جو کہ جو نظام اور فرید یا دریائے जितने सनासिल हैं, तमाम सनासिल के तमाम बुजुर्गों की रूह को आमीन। जमील अंबिया, जमील आलिया, जमील शहदा, जमील सवालहीन, जमील मोमिनीन अवल मोमिनात, जमील मुस्लिमीन अवल मुस्लिमात की रूहों को दर्जा बदर्जा इसका सवाब नजर आमीन। इन अल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर। صلى عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تَمَامِ حضرات تشریف رکھیں